व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका इंडिया का पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम बनाने वाले हैं लाइली लुबनान, जो कि सऊदी अरब की एक फेमस डेजर्ट है। जितनी इसमें लज्जत है उतनी ही आसान इसकी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइली लुबनान की पहली लेयर बनाने के लिए हमें एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी, आधा लीटर फुल क्रीम दूध और 2 टीस्पून रोज वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बर्तन में दूध ले लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी सूजी डाल देंगे। यहाँ पर हमें इसको पकते हुए लगातार हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है। इस स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी चीनी। इसको हमें पकते हुए लगातार हिलाते ही रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो पकने के बाद अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर अब हम यहाँ पर इसमें रोज वाटर ऐड कर देंगे। इसको पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, कम से कम 3 से 4 मिनट में इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। हमारा मिक्सचर जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से हमको प्लेट में निकाल लेना है। और इसको पूरी प्लेट पर इस तरीके से स्प्रेड करते रहना है। इस तरह से हमारी पहली लेयर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। तब तक हम इसकी दूसरी लेयर तैयार कर लेंगे। लाइली लुबनान की दूसरी लेयर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आधा लीटर फुल क्रीम दूध, 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का दूध में बनाया हुआ मिश्रण, 1 कटोरी चीनी, 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम और 2 टीस्पून रोज वाटर। बनाने के लिए हमने एक बर्तन में आधा लीटर दूध लिया है, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें हमारा दूध में बनाया हुआ कॉर्नफ्लोर का मिश्रण ऐड कर देंगे। पकाते हुए आपको लगातार मिलाते रहना है। आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, पर ट्रेडिशनली इस डिश का कलर वाइट होता है, इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ही डालेंगे। और अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें रोज वाटर डाल देना है। यहाँ पर आपको मिश्रण को अच्छे से हिलाते रहना है ताकि इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना बन जाए। जब हमारी ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हमारे इस मिश्रण को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट रखने के बाद हम इसमें हमारी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। और दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो दूसरी लेयर है वो स्मूथ और क्रीमी बन जाए। चलिए चलते हैं हमारी पहली लेयर की तरफ। अब हम इस पर हमारी दूसरी लेयर को अच्छे से बिछा देंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। हमने दूसरी लेयर को पहली लेयर पर अच्छे से बिछा दिया है। अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने डेजर्ट को फ्रिज में से निकाल लिया है और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। हमने इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए। अब वक्त है इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करने का।
हमारी डिश बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बर्फी के शेप में काट कर सर्व करेंगे। अब इस डिश की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप जो है ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ही आप इसमें शुगर सिरप को ऐड कीजिएगा। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी स्मूथ और क्रीमी लाइली लुबनान।